सीएम योगी के संकल्पों में महिलाओं को लेकर लिए गए वो संकल्प भी शामिल हैं, जिनके जरिए सीएम योगी ने महिलाओं को सीधा संदेश दिया कि इस बार योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि यूपी में भाजपा को मिली इस बड़ी जीत में महिला वोटर्स ने खास तौर से अपना अहम किरदार निभाया है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और ज्यादातर महिलाओं का रुझान भाजपा की ओर ही दिखाई दिया। ऐसे में अब सरकार भी महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक आप कहीं भी जाएंगे, हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है। और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी समय आ जा सकते हैं, हमें कोई भय नहीं। एक भय मुक्त वातावरण और दंगा मुक्त सरकार देने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम समर्थन देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं को लेकर जो संकल्प लिया था वो उनकी पहली सरकार में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दिया। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे महिलाओं का भरोसा योगी सरकार में काफी हद तक बढ़ा। वहीं योगी सरकार की महिलाओं को लेकर की गई इन कोशिशों की वजह से महिलाओं का रुझान भाजपा की ओर भी बढ़ता दिखाई दिया। चुनाव के नतीजे इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि चुनाव में योगी सरकार महिलाओं की पहली पसंद रहे। सीएम योगी के संकल्पों में सबसे अहम महिलाओं को लेकर लिए गए संकल्प रहे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, उन्हें न्यूनतम ब्याज पर लोन मुहैया कराए जाने, कन्या सुमंगला योजना और शादी के लिए मदद की धनराशि बढ़ाए जाने जैसे संकल्प महिला वोटरों को रिझाने में कामयाब रही। यही वजह है कि महिलाओं ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताया। पिछली योगी सरकार में महिलाओं को लेकर जिस तरह की योजनाएं चलाई गई, नई सरकार में उससे भी बेहतर योजनाएं चलाने का दावा किया जा रहा है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से भाजपा के उस संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देते हैं जिसमें महिलाओं को खास तवज्जो देने का दावा किया गया था। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का दावा किया गया। बेटियों की शादी पर 1,00,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान करने का दावा किया गया। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन की गई। महिला सुरक्षा के लिए 3 महिला बटालियन नेटवर्क का विस्तार करने की बात कही गई। सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थाओं के पास CCTV लगाए जाने की बात कही गई। 3,000 पिंक पुलिस बूथ बनाए जाने की बात कही गई। 5,000 करोड़ की लागत से अवंतीबाई स्वयं सहायता समूह मिशन शुरू करने की बात कही गई। UPSSC समेत सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी करने की बात कही गई। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न्यूनतम दर पर 1,00,000 का लोन दिए जाने की बात कही गई। होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की बात कही गई। ये वो तमाम संकल्प है जो योगी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए लिए हैं और सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाया जाए। पिछली योगी सरकार में सुरक्षा से लेकर तमाम योजनाओं का फायदा प्रदेश की महिलाओं को मिला, जिसकी वजह से उनका भरोसा योगी सरकार में बढ़ा हुआ दिखाई दिया। यही वजह है कि विपक्ष के घोषणा पत्र के सामने महिलाओं ने भाजपा के संकल्प पत्र को तवज्जो दी और भाजपा के पक्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। सीएम योगी के संकल्पों में विधवा पेंशन और बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराए जाने का भी जिक्र था। इससे महिलाओं का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ गया। महिला सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार ने जिस तरह से कड़ाई की, उसका भी जबरदस्त असर देखने को मिला। चूंकि महिलाओं को योगी के इन संकल्पों पर पूरा भरोसा था, यही वजह है कि महिला वोटरों ने न सिर्फ जमकर मतदान में हिस्सा लिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खूब वोट भी डाले। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।